हेलो एवरीवन, सो या कोई गाना नहीं है बिकॉज आई नो दिस रीडिंग इज गोना बी लॉन्ग एंड देन आई वुड बी रियली टायर्ड, सो लेट जस्ट स्किप द सॉन्ग दिस टाइम. एंड या आई रेड योर कॉमेंट्स ऑन द लास्ट वीडियो एंड अगेन आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु कॉमेंटेड, स्पेशली द वंस हु बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस वेन इट कम्स टू क्लोदिंग एंड वेन इट कम्स टू लाइक हाउ यू लुक. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ए पर्सन हु इज ग्लैमरस, हु हैज नाइस हेयर स्टाइल, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन. एंड यू आर काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. आई थिंक दे आर वेरी लेस पीपल ऑन ए सोशल प्लेटफॉर्म जिनको जो है दूसरे लोग एक्सेप्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं. एंड आई एम क्वाइट यू नो आई कैन से लकी दैट आई हैव यू गाइज हु सपोर्ट्स मी वट एवर आई डू. एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई एम कनेक्टेड विद यू. यू गर्ल्स एंड गाइज काइंड ऑफ बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक इट्स बोथ वेज. I motivate you, you motivate me. So it's kind of a relationship where I am giving and you are also giving me. So one-to-one relationship jo hai yahan par maintained hai. Aur I think that's so amazing and so nice. People on YouTube or any other social media just get that kind of love which I feel that I am getting, and I'm really thankful and I appreciate each and every one of you. Aur यस, जल्दी से हम रीडिंग शुरू करते हैं. सो द थिंग इज कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक एवरीथिंग लाइक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. आई मीन टेक लाइक इवन इफ यू सी सम वंस एल्स टैरट रीडिंग और किसी भी टॉपिक पर, जस्ट टेक एवरीथिंग लाइक ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट. और बिकॉज दिस रीडिंग इज जनरल रीडिंग, इट्स अबाउट द मंथ ऑफ मार्च, और हम यहां पर ना ट्रांजिट गिन रहे हैं, हम यहां पर कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकली हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते बिकॉज आई डू नॉट नो योर चार्ट एंड इंडिविजुअली ये नहीं हो सकता. सो वी आर गोना स्टिक टू द टैरट दिस टाइम. एंड येस, ऑफकोर्स यू आर गोना लर्न समथिंग और द अदर न्यू अबाउट द साइंस, बिकॉज आई फील कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ यू नो एस्ट्रोलॉजी से या फिर टैरट से लेकर जाओ. इट्स जस्ट नॉट अबाउट द प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेटिव जो है आप अपनी लाइफ में लेकर जाओ, आप इस वीडियो से जो है लेकर जाओ. दैट्स समथिंग विच आई फील रियली मैटर्स, द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज विच यू गेट. सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड. वी आर गोना गो फ्रॉम एरीज टू पाइसीज. मून इन एरीज, मून इन पाइसीज, मून इन टॉरस, मून इन एक्वेरियस. सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द साइन ऑफ एरीज. एज यू नो एरीज इज द साइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इट सेज दैट यू नो वट, आई एम हियर सो यू everybody look at me, I am the king, I am the one. Because see, sun get exalted in the sign of Aries. Why does it get exalted in the sign of Aries? Why? What's the reason behind it? The reason is that the sun is the king, and king says I am the one, I am the leader, I am the you know, the person, I'm your what do you call, the person who does everything, karan karavanhar. I am the one who does everything. I am, I, meaning मैं, खुद मैं. Again, this is something where ego comes out. Sun represents our ego. That's why sun is a mild malefic, because it's the ego. So it get exalted in the Aries sign. So you guys whose moon is in Aries, naturally you will have, especially till the sixth degree of Aries, you will have that aggression. You will have that, you know, the thing of fast eating, fast walking, fast talking. You will have these things in yourself, and that's aggressive Aries. After the sixth degrees. After the 6 degrees of Aries, Aries kind of get, you can say, जो एरीज का इफेक्ट होता है वो कम 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 होता जाता है धीरे 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 धीरे. देन द पर्सन स्टार्ट टू गो इन टू माउंटेन्स एंड ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गए, ये एक्टिविटीज करना हो गया, इसमें चले गए. बट डेफिनेटली बिफोर 6 degrees द पर्सन इज वेरी एथलेटिक, सो दैट्स देयर. तो हम देखते हैं कि एरीज जो है उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं या फिर कोई रिलेशनशिप, लव लाइफ उनकी कैसी होगी एरीज की. ऑल राइट, वी हैव
the card death and rebirth here and we have 10 of wands here. All right dear, तो यहाँ पर जो है आपकी love life के बारे में अगर हमें कुछ predict करना पड़े और यहाँ पर 10 of wands है, death and rebirth है, तो the number one thing is कि love and romance की बात एक बार हम छोड़ के अगर और relationships की तरफ ध्यान दें, family के जो relationships है, ऐसा हो सकता है मार्च के मंथ में you feel very responsible. You may feel very, very responsible towards your family and because of them, you somehow just cannot concentrate और आपके मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि मुझे कोई you know romantic partner चाहिए because यहाँ पर जो है romantic involvement आपके लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर वो relationship में है और रिलेशनशिप जो है काफी ज्यादा ऐसा एक टाइम हो सकता है आपके लिए मार्च में एरीज कि जहां पर वो रिलेशनशिप काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाए, काफी ज्यादा आपको उस रिलेशनशिप के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े. सी सैटर्न इज कमिंग हियर, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न इज ड्यूटी कमिटमेंट एंड इफ यू ऑल्सो नो सैटर्न गेट्स डिबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ एरीज. Why does it get debilitated in the sign of Aries? Because Saturn says that I do not want to be the one. I do not want to be the king. मैं जो हूँ limelight में नहीं आना चाहता हूँ. I just want to work behind the scenes or I just want to work for the people. So here the Saturn, like it can happen that you feel lot of responsibility on the behalf of your family. या फिर अपने जो रोमांटिक पार्टनर है उनके बिहाफ पर आप काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करो जिसकी वजह से कुछ लोग जो है उनका ब्रेकअप भी हो सकता है. अदरवाइज जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेस है ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में एक टेस्ट हो और अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया और वो रिलेशनशिप फिर भी बचा रहा, दैट्स अमेजिंग. वो एक तरह से एक टेस्ट क्लियर करना हो गया एंड यू समहाउ केम आउट ऑफ दैट टेस्ट winning that test and being victorious. But definitely there will be many responsibilities and there you are going to do some or the other sacrifice on the behalf of your parents, behalf of your family, behalf of your loved ones, behalf of your romantic partner. Wo chahe sacrifice aap apne waqt ka karo, chahe koi hobby ka karo, but there will be and some relationships are going to also transform because we have the card death and rebirth. So something is going to transform in you. Either your relationships get transformed, meaning you get from like you just get on the other level of the relationship. This can also happen, but definitely there will be a lot of responsibilities when it comes to love and relationships. Let's just see the career. Career wise, जो है आपके लिए क्या opportunities आ रही है Aries के लिए? Career wise, Aries के लिए क्या opportunities आ रही है? We have the card Two of Pentacles. We have the Hierophant. All right. यहां पर जो है opportunities ऐसा हो सकता है कि आप अपनी life में, जैसा मैंने कहा आपने relationships में काफी ज्यादा responsible feel कर सकते हो और काफी ज्यादा burden feel कर सकते हो उन responsibilities का, तो आप अपने work और आप अपने emotions को balance करने में लगे रहो. And if you know Libra is the sign of balance, that does not mean that Libra balanced है, Libra person is balanced. No. They are not. That's why they constantly have to balance everything up. Constantly. Yes, people will say कि अरे ये person कितना balanced है, but you yourself know कि कैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हो, कैसे आप अपने वर्क लाइफ, कैसे आप अपने जो एक घर की होम लाइफ है उसको बैलेंस करते हो. बिकॉज लीब्रा इज द मोस्ट अनबैलेंस्ड साइन. They always have to balance things out. And in the month of March, Aries, you are going to do that. You are going to do that. Because directly opposite to the first sign is the sign of Libra. Yani ki jin logo se aap miloge, jin ke saath aapka talmel hai ya phir relationship hai. Wo relationship kaafi zyada aisa ho sakta hai. Har relationship. आपको काफी बैलेंस करना पड़े, आपको काफी बैलेंस करके चलना पड़े अपने वर्क लाइफ के साथ. अगर आप बिजनेस में हो, देन ऑल्सो यू हैव टू समहाउ बैलेंस योर वर्क लाइफ, बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ विद योर होम लाइफ. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जिनके घर में मेड्स हैं वो छुट्टी पे चले जाएं. इट कैन ऑल्सो हैपन एंड देन यू हैव टू मैनेज द हाउस एज वेल एज योर प्रोफेशन. दैट्स रियली टफ. दैट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स सर्वेंट्स. सो सर्वेंट मे बी ऑन अ holiday and you have to do all the work aur us time aapko ki are kaam bhi karna pad raha hai aur ghar ka kaam bhi karna pad raha hai. So that's really
अच्छा टाइम नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड. द हेरोफेंट हियर इज टेलिंग मी कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके वर्क लाइफ में, आपके प्रोफेशन में कुछ किसी का बर्थडे हो और आप जो हो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो वो. सो इट्स अ गुड थिंग. आई मीन प्रोफेशनल लाइफ इज फाइन, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, यू हैव टू बैलेंस योर होम लाइफ, यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप विद योर प्रोफेशनल लाइफ. सो दैट समथिंग विच आई फील जो आप अपने मार्च के मंथ में लर्न करने वाले हो या ये चैप्टर रिवाइज करने वाले हो अपने लाइफ का. सो दैट्स देयर. सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग आपके करियर और आपके लव लाइफ से रिलेटेड. और आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो टॉरस, तो ये है आपकी रीडिंग. आपका जो मून है वो टॉरस साइन में है और आज हम जो है आपकी मार्च की प्रिडिक्शन करते हैं. बिफोर दैट जस्ट अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉरस. तो वो ये है कि टॉरस रिप्रेजेंट्स आर ओरिजिनल सेकेंड हाउस ऑफ अ चार्ट. तो वी ऑलवेज हैव द टॉरस एनर्जी इवन इफ यू आर लेट्स से कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और यू आर एन एक्वेरियस असेंडेंट, देन ऑल्सो वी हैव द एनर्जी ऑफ टॉरस इन सेकेंड हाउस. सो द टॉरस डील्स विद द फैमिली, कुटुंब, वेल्थ ऑफ फैमिली. इट डील्स विद ज्वेलरी, गोल्ड. इट डील्स विद योर फैमिली लाइफ बेसिकली. जो आपने अपने चाइल्डहुड में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा था और जो आपकी कैसी फैमिली लाइफ रही चाइल्डहुड में, दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बाय द साइन ऑफ टॉरस. एंड टॉरस ऑल्सो डील्स विद जो आप बोल रहे हो. वट काइंड ऑफ स्पीच यू हैव. योर सेकेंड हाउस डील्स विद द स्पीच. आपकी मीठी बोली है, आपकी यू नो एक कट थ्रोट हो, क्या हो जब आप बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो. सी द टॉपिक्स यू चूज टू स्पीक सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस, बट व्हाट यू स्पीक, हाउ यू स्पीक इज द सेकेंड हाउस. एंड सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू व्हाट, इट्स द हाउस ऑफ टॉरस. एंड बिकॉज टॉरस इज एन अर्थ साइन, सो व्हाट इट मीन्स इज दैट टॉरस वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ. Taurus wants to enjoy life on this Bhumandala, and they want to even, like, these are the people, you can be a person who want to gain materialistically and want to hoard wealth also. Wealth becomes really important for you. So let's just see, first of all, love life of Taurus in March. In the month of March, jo Taurus hai, unki love life kaisi hai? What, how is Taurus dealing with relationships in the month of March 2021. All right, we have the Empress card, we have the Five of Swords here. तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो हैं आप में से Taurus जो हैं कोई new relationship में आ सकते हैं. जो relationship you know when you are young, you are in that flirtatious mode, that oh मतलब you are flirting and you also want to get into relationships, but you are also kind of away from relationship because you are in that flirtatious mode. So wo jo flirtatious mode tha, wo flirting ka time period tha, maybe ab wo nahi raha. Maybe ab jo aap ho, aapko koi sachi mein hi pasand aa gaya, and now you are looking to that person, you are looking at that person, you are observing them, and you are also kind of confused that what kind of person is this. Because jo bhi wo person hai aapko haan ya na nahi de raha, aapko apne piche lagaya hua hai us person ne. You can be a flirtatious person, but that person is more flirtatious or you can say is more intelligent than you, because us person ne aapko confuse kar diya. So that's there. It's interesting. It's funny. And all the people who are young, especially people who are below 25, I would say this kind of relationship, jo college romance hota, that you are kind of in a relationship but then again you are not in a relationship. So us type ka jo scenario hai, us type ki jo feeling hai, wo aap lene wale ho March ke month mein. Yani ki ye jo bhi person hai aapko haan bhi nahi bol raha aur aapko na bhi nahi bol raha. They are giving you the signs and they are also kind of detached from you. So you are going to be confused in this relationship, but definitely there is that flirtatious energy going on. Then we have the Empress card, which represents ki jo aap ho, maybe is person se kafi zyada attach ho gaye ho. Maybe aisa ho sakta. Tabhi aap jo ho is person ko dekh rahe ho, wait kar rahe ho, observe kar rahe ho aur next step lene ki ummeed mein ho. But
वो नेक्स्ट स्टेप शायद आप ना ले पाओ. इट विल बी अ मंथ जहां पर आप स्टक फील करो इस ये रिलेशनशिप में, जो कि रिलेशनशिप है भी और नहीं भी. एंड दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. सो दैट्स देयर, दैट्स देयर. तो हम देख लेते हैं कि आपका जो करियर है या एजुकेशन है वो कैसी रहती है. करियर या फिर एजुकेशन है वो आपकी कैसी रहती है टॉरस. टॉरस की करियर या फिर एजुकेशन जो है मंथ, ओके, जो मार्च का मंथ है कैसा रहता है. ओके, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स हियर. यहां पर कुछ लोग जो हैं आप में से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. दे जस्ट कैन, आई मीन यू पीपल, सम ऑफ यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाय समवन एंड कैन स्टार्ट लर्न सम और द अदर आर्ट, वेदर इट्स पेंटिंग, ड्रॉइंग, राइटिंग और एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी लर्न बाय यू इन द मंथ ऑफ मार्च. यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग दैट, ऐसा हो सकता है. एंड देन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स. एज आई टोल्ड यू कि यहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है आपके वर्क एनवायरमेंट में, आपकी एजुकेशन को लेकर. आप अपनी हॉबीज पर भी पूरा ध्यान देना चाहते हो और आप अपने वर्क पर भी पूरा ध्यान देना चाहते हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन फील बर्डन. इन द एंड ऑफ द डे आप हो, एक अकेले हो और यहां पर जो इतने सारे काम है, लाइक अ पर्सन, इट्स जस्ट नॉट. अगर मैं खुद को भी देखूं, मेरे को सिर्फ यहां बैठ के रीडिंग्स नहीं देनी या फिर मेरे को पर्सनल रीडिंग्स नहीं देनी है. आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स विच आई हैव टू डू इन अ डे. एंड वो सब चीजें करना प्लस अपना वर्क संभालना, और अगर आप एजुकेशन में हो तो वो एजुकेशन भी करना, इट बिकम्स वेरी हेक्टिक. आखिर में एक ही जान हो ना, और 100 काम. So that you are going to feel the burden in the month of March. Again, the only remedy is to detach yourself from that. At least have 1 hour. If you are a Purva Falguni or Uttara Falguni, I would really say in that 1 hour, just sleep. Sleep as much as you can. If you just get a time, na, have a nap. For Uttara Falguni or Purva Falguni, I am talking with experience here, with personal experience. And I have told people, do this, and they also have said that, yes, they feel good. Especially Purva and Uttara Falguni. Especially Purva and Uttara Falguni. If you have sun, or your ascendant, or your Atma Karaka in Uttara Falguni, Purva Falguni, just sleep whenever you can. And most of the time, Uttara Falguni, Purva Falguni does sleep. But at times, when there is a lot of work, and when there are a lot of responsibilities on the shoulder, you just cannot sleep. But sleep becomes really important, and sleep becomes the key. So, यहां पर जो है पूर्व एंड उत्तर फाल्गुनी के लिए तो रेमेडी यही है, दैट जस्ट हैव अ नैप. बाकी सभी के लिए एक घंटा आप मेडिटेशन करो या फिर आप भी सोने की कोशिश करो. दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोन फील दैट कि आप काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक मोड में चले गए हो. दैट्स देयर, क्योंकि आप यहां से भी रेस्ट नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर रोमांटिक पार्टनर और योर रिलेशनशिप. तो ये चीज है. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, यू नो, इट कैन हैपन दैट सम पीपल मे गेट प्रेग्नेंट एट दिस पॉइंट. सो यस, दैट्स देयर. और स्पेशली ऑल द पीपल हु आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड आर हैविंग एंड आर नॉट मैरिड एंड आर इंडियन, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू यूज प्रोटेक्शन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. बट या, some people may get pregnant at this point. और जो बाकी हैं, जो relationship में नहीं हैं और जिनका relationship थोड़ा ऐसा ही चल रहा है कि है भी और नहीं भी, तो वो confusion रहने वाली है. That's there. I just want you to detach yourself from your work, from your loved ones, एक घंटे के लिए सिर्फ. And just have that 1 hour for yourself. That's the key. That's the advice or guidance. So that's there. All right, dear. So ये थी आपकी reading Taurus. मैं मिलती हूँ आपसे next reading के time. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini. So this is your reading. आपका जो March का month है 2021 वो कैसा जाता है? Before that, I just want to give you a quick little introduction to Gemini sign. I know that many people would know, but थोड़ा information does not harm, right? So the sign of Gemini deals with what? It deals with writing. It deals with what type of communication you are having. What type of topics you choose for communication.
थर्ड हाउस डील्स आई मीन द थर्ड साइन और थर्ड हाउस द साइन ऑफ जेमिनाई ऑल्सो डील्स विद योर स्पोर्ट्स इट ऑल्सो डील्स विद योर प्ले ग्रुप जो आप बचपन में जिनके साथ खेलते थे वो वाला प्ले ग्रुप कजन्स आपके हो गए आपका जो यंगर सिबलिंग है वो पर्सन और आपके जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स है दैट इज ऑल्सो सीन बाय द थर्ड हाउस द साइन ऑफ जेमिनाई द ओरिजिनल हाउस द थर्ड हाउस इज द ओरिजिनल साइन और हाउस ऑफ जेमिनाई So it is going to deal with these things. So let's just see कि जो आपका मार्च का मंथ है जेमिनाय वो कैसा रहता है आपका जो मार्च का मंथ है जेमिनाय वो कैसा रहता है मार्च का मंथ जेमिनाय का लव रिलेशनशिप्स में कैसा रहता है ऑल राइट वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स हियर ऑल राइट तो यहां लव रिलेशनशिप्स में ऐसा है आपकी तरफ या तो कोई बहुत तेजी से चला आ रहा है बहुत स्पीड से और ये एक फ्लर्टेशियस एनर्जी है इट्स नॉट द एनर्जी वेयर कमिटमेंट इज देयर इट विल बी अ कैजुअल रिलेशनशिप इट इज नॉट समथिंग विच मतलब यहां पर जो कार्ड्स हैं मार्च के मंथ में तो कमिटमेंट यहां नहीं होने वाली है टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहां पर अगेन कंफ्यूजन दिखा रहा है किसी को लेकर किसी पर्सन को लेके कि ये पर्सन है कैसे बिकॉज दिस पर्सन हूसोएवर इज दिस पर्सन हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू कैन बी द पर्सन हु इज वेरी यंग हु इज वेरी एथलेटिक हु वॉन्ट्स टू हैव एडवेंचर हु वॉन्ट्स टू जस्ट हु हैज दिस एनर्जी ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल एंड यू आर काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन इट्स जस्ट नॉट कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बट आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ जो है स्टेप्स ले रहे हो तो ये एक बहुत एडवेंचरस और एक बहुत थ्रिल वाली इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी होने वाली है और बहुत क्विक पर्सन है ये और क्विक विटेड होंगे और काफी मतलब इनका ह्यूमर काफी अच्छा काफी इंटेलिजेंट पर्सन है विटी पर्सन होने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन बी अ पर्सन जो इनको समझ ना पाए बिकॉज दिस इज वेरी जो भी ये पर्सन है काफी क्विक विटेड होने वाले हैं तो दैट्स देयर सो बी अवेयर व्हाट ही और शी आर सेइंग टू यू And yeah, keep your senses open. That's the number one thing. और जो लोग relationships में थे जो already committed relationship में हैं उनके लिए ये guidance है ऐसा हो सकता है आप travel करने जाओ अपने loved ones के साथ ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ you know कोई miscommunication की वजह से कोई बात misinterpret हो गई है तो उस interpretation या उस miscommunication को मत होने दो यहां इस चीज की guidance आ रही है बट येस अगर कोई आपको बात किसी अपने लव वन को कहनी है तो उसे क्लियर कट वो बात कहो दैट्स द की हियर ऑल राइट सो हम देखते हैं आपके जो करियर है वो कैसा रहता है करियर या एजुकेशन जेमिनाई के लिए मार्च का जो मंथ है 2021 करियर और एजुकेशन के लिए कैसा रहता है करियर और एजुकेशन के लिए कैसा रहता है We have nine of pentacles and we have knight of swords. I mean, it's a good, like, nine of pentacles represents abundance in every aspect. It also represents self-care. It also represents कि आप जो हो अपने work environment में काफी ज्यादा abundant, काफी खुश feel करते हो आपका जो work environment है even if you have a lot of work at that point, उस March के month में आपका बहुत ज्यादा काम है but you still will feel happy. You will still feel that yes, whatever I am doing, I am learning something. So if you are learning, तो आप जो उस चीज में खुश हो सकते हो आपको कहीं ना कहीं ये फील नहीं होगा दैट आई एम बर्डन्ड और आई एम बीइंग इनटू मेरे को तो बांध दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बॉस ने ऐसा कहा इस पर्सन ने ऐसा कहा ये चीजें जो है ये नहीं होंगी आपको अच्छा लगेगा काम करने में इवन इफ देर इज अ लॉट ऑफ वर्क देर आर आई मीन मार्च का जो मंथ है वो क्लोजिंग टाइम होता है कुछ कंपनीज के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए भी कि they have to budget things out और closing करनी होती है उन्होंने मार्च के मंथ में तो work जो है already कई बार तो clerical work जो है काफी ज्यादा होता है जो भी लोग clerical jobs में हैं उनके लिए तो यही है कि yes work can be there but you will feel happy and one more thing because March is related to spring spring is coming right हम कहते हैं कि April is the spring time but I feel कि जो मार्च का middle का time है 15-16 मार्च जो है उस time period पर जो है spring आ जाती है तो you also feel happy because of that तो जो external environment है आपका वो भी कहीं ना कहीं आपको खुश रखता है
सो दैट्स देयर, यू विल फील हैप्पी. एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि आप जो हो अपने वर्क एनवायरमेंट में या फिर अपनी एजुकेशन में जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. दूसरों को ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है मस्ती मजाक ही करी जा रहा है, बट नो, यू आर अ पर्सन जो किसी को पता नहीं लगने देते कि यू नो मैं कुछ कर रहा हूं, कोई मैं न्यू काम शुरू कर रहा हूं या फिर मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी लिया है, और मतलब छुप छुप के या फिर किसी को भनक भी नहीं लगने दोगे कि ये काम मैं कर चुका हूं, दैट्स ऑलरेडी डन. सो फिर उसके बाद जब सभी को पता लगता है दैट यू हैव डन दिस सिंगल हैंडेडली और आपने ये सारा काम कर लिया, देन एवरीबडी इज लाइक ओ माई गॉश दिस पर्सन, वी डिडंट न्यू दैट दिस पर्सन हैड दिस इन हिम और हर. सो दैट्स देयर. तो कुछ लोग जो है अपने मार्च के मंथ में कुछ ना कुछ अचीव भी कर सकते हैं जो एजुकेशन में है, और जो आपका वर्क एनवायरमेंट है या जॉब है या फिर करियर है, यू आर गोना फ्लरिश. सो दैट्स देयर. ऑलराइट, तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैंसर, तो ये है आपकी रीडिंग और आपका देखते हैं कि मार्च का मंथ कैसा रहता है लव रिलेशनशिप्स में, करियर में. एंड बिफोर दैट लेट जस्ट गिव यू अ क्विक लिल इंट्रोडक्शन अबाउट कैंसर साइन. आई नो दैट मेनी ऑफ यू वुड नो बिकॉज यहां पर जो है एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट्स बैठे हैं. द साइन ऑफ कैंसर, ऑफकोर्स इट्स अ मदरली साइन, इट्स द साइन ऑफ नरिशमेंट, इट्स द साइन ऑफ मिल्क, इट्स द साइन ऑफ होमलैंड, इट्स अ साइन वेयर सी फोर्थ हाउस और द साइन ऑफ कैंसर इज द सुख स्थान, विच मीन्स दैट यू जस्ट फील एट पीस एट दिस प्लेस. ऑफकोर्स इफ दे आर मेलिफिक्स, लेट्स से राहु केतु और सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, डेफिनेटली वी सी द पर्सन हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज फॉर श्योर. बट नेचुरली इफ दिस साइन और दिस हाउस इज वेल प्लेस्ड और या फिर इस हाउस पे कोई एस्पेक्ट नहीं है, येस द पर्सन यहां से जो है वो पर्सन काफी ज्यादा सेट रहते हैं, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने नहीं होते हैं. बट नेचुरली फोर्थ हाउस और द साइन ऑफ कैंसर डील्स विद बींग मूडी ऑल्सो, बिकॉज मून नाउ इज इन द फोर्थ साइन, इट इज गोन बी मूडी. Even if moon is in Pushya Nakshatra, then also it's going to be moody. Because Pushya, if I say Magha is the king, then Pushya is the emperor. So both holds the, you know, the position of, you can say, position of authority. So that's there. But definitely Cancer sign deals with nourishment, mother, homeland, hometown. Homeland ke log jo hain, un sabhi ko ye jo sign hai deal karta hai. And it deals with your emotions, definitely. So let's just see, jo aapka Cancer, aapka jo March ka month hai, wo love relationships ko lekar kaisa rehta hai. Cancer ka jo March ka month, Cancer ka jo March ka month hai, wo love relationships ko lekar kaisa rehta hai. What's happening for Cancer in the month of March 2021? We have the World card here and we have the Star card. All right. So love relationship, ऐसा हो सकता है आपके पास कोई person जो है सात समुंदर पार करके आए. Legit, I'm saying this. Somebody, someone can come in your life who may not be from the hometown, because now we are talking about the sign of Cancer which deals with homeland, and यहाँ पर आ गया World card which deals with 12th house. One is homeland, one is describing the homeland, other is foreign land. So somebody can come to you from foreign lands. And this can also happen ki aap kisi se social media par milo. Social media par bhi aap kisi se mil sakte ho. Because there are so many dating apps these days, Bumble and Tinder and what not. So you can meet somebody on online platform as well. Then we have the Star card. ऐसा हो सकता है जो भी है पर्सन हो, आपकी जो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो आई वॉन्ट टू डेट समबडी हु इज अ पीएचडी होल्डर, हु इज अ वेजिटेरियन, हु इज अ मे बी अ जैन और समथिंग. दे जस्ट हैव एक्सपेक्टेशन फॉर देअर लाइफ पार्टनर और फॉर देअर रोमांटिक पार्टनर. तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उनको कोई फुलफिल करने वाला पर्सन आपको जो है इन द मंथ ऑफ मार्च में मिल जाए, जैसा आप चाहते थे वैसा पर्सन आपको मिल जाए. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में थे, ऑलरेडी कमिटेड थे, उनके लिए ये रीडिंग है, उनके लिए ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप काफी ट्रैवल कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च, या फिर आपकी जो विशेस और डिजायर्स है इस रिलेशनशिप को लेकर वो फुलफिल हो रही है. आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप से वो नरिशमेंट, वो रिलेशनशिप से जो आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा है.
तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स जो है वो हो सकती है आपकी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, वो चीज है। चाहे आप कमिटेड हो या फिर अगर आप कोई ढूंढ रहे हो पर्सन, तो आपको पर्सन जो है वो मिल सकता है, इट कैन हैपन। तो ये चीज है। ऑलराइट, तो हम आपके जो है करियर और एजुकेशन को देखते हैं कि मार्च के मंथ में द साइन ऑफ कैंसर, जिनका भी मून द साइन ऑफ कैंसर में है, जिनका भी मून कैंसर साइन में है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो करियर है, वो कैसा रहता है इन द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। ऑलराइट, तो यहां पर जो है ऐसा हो सकता है आपको वर्क रिलेटेड, अपनी एजुकेशन की वजह से कह लो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में, अगर आप करियर में ऑलरेडी आ चुके हो तो करियर की वजह से आपकी जो रात की नींद है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगेन द सुख, वी वर टॉकिंग अबाउट सुख स्थाना, एंड हेयर वी आर सीइंग दैट इट कैन हैपन दैट बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ एजुकेशन वर्कलोड, या एजुकेशन में आपके एग्जाम्स हैं या टेस्ट हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू स्टडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू जस्ट आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, इट कैन हैपन। आपका जो सोने का वक्त है, अगर जहां पर आप 7 to 8 hours होते थे वहां सिर्फ आपको 4 to 5 hours की स्लीप मिले, बिकॉज आप जो हो अपने लर्निंग में, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में लगे हो, इट कैन हैपन लाइक दैट। बट डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मार्च जो आप हार्डवर्क कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस टेल्स कि अबंडेंस जो है वो है, इट्स ऑलरेडी देयर। मैं ये नहीं कह रही अबंडेंस आएगी, आई एम सेइंग इट्स ऑलरेडी देयर। सो नेचुरली यहां पर जो मेमोरी है वो भी आपकी शार्प होगी इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड आप जो हो, आपको जो आप एफर्ट कर रहे हो आपको उसका फ्रूट भी साथ के साथ मिलता जाएगा, बिकॉज इवन इफ यू हैव एग्जाम्स, ऑफकोर्स रिजल्ट एकदम से नहीं आते, नो, बट जब आप एग्जाम दे रहे हो तब भी जो है आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूं, एग्जाम में लिख रहा हूं, ये मैं ठीक लिख रहा हूं। एंड नाउ डेज आई मीन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आई थिंक स्टूडेंट्स की तो मौज है, बिकॉज सारे स्टूडेंट देख के एग्जाम लिखते हैं, तो इट्स अमेजिंग। तो अगर आप जो हो अपनी बुक ढूंढने में, या फिर जिस किसी की, आई मीन कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको नींद ना आए, तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बट स्टूडेंट के लिए आई फील कि ठीक चल रहा है अभी तो काम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जाम्स ऑनलाइन मेथड से, राइट, तो दैट्स देयर। बट जो लोग प्रोफेशन में, जो जो आईटी प्रोफेशनल्स है या फिर किसी और प्रोफेशन में भी है, ऐसा हो सकता है आप अपना जो काम है वो घर लेकर आओ या घर से ही काम करो, बट डेफिनेटली देयर इज दैट वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क इट कैन हैपन दैट योर स्लीप मे गेट डिस्टर्ब्ड, सो टेक केयर ऑफ दैट। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लियो, तो ये है आपकी रीडिंग, आपका जो मून है वो लियो साइन में है, हम देखने वाले हैं कि आपका जो मार्च का मंथ है वो कैसा जाता है लव रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर। बिफोर दैट लेट जस्ट से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ लियो। लियो इज द साइन विच इज रूल्ड बाय सन, सन इज अ फायरी हॉट प्लैनेट, सो वेन एवर मून कम्स इन द डोमेन ऑफ लियो, नेचुरली मून फील्स काइंड ऑफ बर्न्ड, मून फील्स बर्न्ड, सो मून इज नॉट कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ लियो। Even it's a friendly sign, still moon is not comfortable because it's very heated sign. That's the reason of being in a irritable mood. But definitely the sign of Leo also deals with leadership. Leo says that I am here, I am your king, so treat me like a king. And Leo is a sign of individualism also. Leo is sign of more of like, जो दूसरों की सेवा करना चाहता है, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, जैसे एरीज इज लाइक आई एम हेयर, यू आई एम द किंग हेयर, यू हैव टू ओबे मी, वेयर एज लियो इज लाइक आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू, दैट्स लियो। बट डेफिनेटली द लीडरशिप क्वालिटी इज देयर, डेफिनेटली देयर इज दिस दिस एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी, extremely masculine person can also be seen from this placement. If Venus, if moon is in Magha, yes, you can be a person, and your mother can also be a person who is extremely masculine, extremely independent when it comes to decision making. Your mother, you yourself can also be a person who is very masculine, who knows that when to do something. You are not afraid of anything. Your mother is very brave. She has the strength in herself. She is not a person who is subservient. So Magha moon is kind of that moon who is a macho moon.
वेयर इज इन उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी द पर्सन बिकम्स यू नो सम हाउ गेट वॉन्ट्स टू गेट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन सी पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनीज आर द नक्षत्र विच ऑलवेज वॉन्ट्स टू डील विद कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर इट्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर इट्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बट माघा इज लाइक आई एम हेयर फॉर यू आई वॉन्ट टू सर्व आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद यू एंड आई वॉन्ट टू सर्व यू आई वॉन्ट टू हेल्प यू That's Magha. But definitely that extreme masculinity, that leadership quality is there. Let's just see, aapke jo love relationships hain, wo kaise rehte hain? Aapke jo love relationships hain, Leo, in the month of March 2021, wo kaise rehte hain? All right, we have the card Knight of Pentacles and we have King of Wands. Yahan par jo hai, agar aap... यू नो अगर आप किसी को पसंद करते हो और अगर किसी रिलेशनशिप में भी हो तो ये काफी स्लो चलने वाला है इट इज गोना बी स्लो बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट्स दैट स्लोनेस और यू कैन से कि आप एक तरह से ऐसा भी फील कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं रहा है कोई नेक्स्ट लेवल इसका आ ही नहीं रहा है सो वो चीज रहेगी बट डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव पर्सन है बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव पर्सन ये होने वाले हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स दैट फायर अगेन यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स में इफ यू कैन सी देयर इज अ लायन सो यस दे हैव दैट लियो एनर्जी ऑल्सो योर मून कैन ऑल्सो बी अ दारकार का प्लैनेट एंड मून कैन रिप्रेजेंट योर स्पाउस ऑल्सो सो नेचुरली यू वॉन्ट अ स्पाउस इफ योर मून इज द दारकार का प्लैनेट इन द माघा साइड स्पेशली इन द माघा साइड योर स्पाउस विल बी अ पर्सन हु विल बी एक्सट्रीमली मैस्कुलिन Who will be very emotionally connected to you? Who is a person जो काफी ज्यादा एक leadership position में रहना चाहते हैं It can happen that you may have power struggles with this person. Because this person always want to help you, but just do not want to take help from you. मतलब आपको help करने के लिए person तैयार है but आपसे help लेने के लिए ये person तैयार बिल्कुल भी नहीं है Somehow the ego comes into the way. So that's there. But definitely जो भी ये relationship है आपके लिए लियो जो आप मार्च के मंथ में फील करोगे जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप और जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप चाहते हो ऐसा हो सकता है वो बहुत टाइम ले दैट्स देयर एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी कमिटेड द पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप का जो नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट स्टेप है वो शायद ना ले पाओ आप बट डेफिनेटली देयर इज दैट टीजिंग गोइंग ऑन देयर इज दैट यू नो द फ्लर्टेशियस एनर्जी इज देयर सो वो चीजें हैं वो जो एक टीज करना है एक दूसरे को वो फेज है यहां पर तो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंटरटेनिंग और अच्छा फेज है ऑफकोर्स आप अपने आगे आने वाले सालों में याद करोगे बट डेफिनेटली देयर इज दैट कि यार आगे कब चलेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर नेक्स्ट स्टेप कब लेंगे वो एंथुजियाज्म जरूर है बट कोई स्टेप लेना मार्च के मंथ में यहां पर नजर नहीं आ रहा है ऑल राइट तो जो लियो आपके लिए मून इन लियो आपके लिए जो है फाइनेंसेस को लेकर आपके करियर को लेकर आपके एजुकेशन को लेकर क्या यहां पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑल राइट वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स हियर यहां पर जो है अबंडेंस है और यहां पर हैप्पीनेस है यहां पर फुलफिलमेंट है अगर आप जो हो अपने बिजनेस को लेकर अपनी एजुकेशन को लेकर परेशान थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ बन ही नहीं रहा अपनी जॉब को लेकर दुखी हो गए थे कि यार कुछ इससे निकल ही नहीं रहा है ना इससे अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं ना मैं कुछ लर्न कर रहा हूं नया क्या हो रहा है ये मेरे साथ प्रोफेशन में तो वो जो एक फीलिंग थी वो गायब हो जाने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च कोई प्रोजेक्ट या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आ रही है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो दैट आई एम केपेबल यू कैन ट्रस्ट मी आई एम केपेबल ये जो है सेंटेंस या ये जो लाइन आप अपने माइंड में रिपीट करो इन द मंथ ऑफ मार्च और आप दूसरों को कह भी सकते हो दैट सी आई एम केपेबल आई टोल्ड यू आई एम I can take the stress, I can do the work. तो ये जो चीजें हैं workaholicness is there, but you are enjoying that. So that's great. I mean, अपना काम जो है कोई person enjoy करे उससे बढ़िया और क्या हो सकता है And love relationship में there is that teasing phase going on. And जो जैसे बच्चे नहीं होते एक दूसरे को टीज करते रहते हैं और खेलते रहते हैं दैट्स द थिंग विच आई एम सीइंग राइट हियर बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा एक सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है बट मोर सो यहां पर बिकॉज ग्रीनरी है यहां पर एक प्लेफुलनेस है तो दैट्स देयर इट्स अ गुड थिंग
और आप अपने जो है लव्ड वंस के साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हो, वो फ्रिस्बी के साथ खेलना, बिकॉज इट्स इट्स गोना बी स्प्रिंग टाइम, राइट? स्प्रिंग इज जस्ट हेयर, तो यू कैन गो टू अ पार्क एंड हैव प्ले समथिंग एंड हैव यू नो फन विद ईच अदर, सो दैट्स गोना हैपन. और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स इट रिप्रेजेंट्स फॉर योर करियर, इट रिप्रेजेंट्स कि आप ना काफी ज्यादा अच्छा फील करो, प्लेजेंट फील करो. जो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल होता है वो आपको करना पड़े इन द मंथ ऑफ मार्च, ऐसा भी हो सकता है आपके लिए. ऑल राइट, तो ये. और एजुकेशन वाइज अगर हम यहाँ कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो हो खुशी खुशी पढ़ रहे हो, आपको कोई जोर नहीं आ रहा है, आपको कोई यू नो जबरदस्ती अपने आप को बिठाना नहीं पड़ रहा कि मुझे पढ़ना है. एंड मोर सो ये एजुकेशन के लिए मैं कहूंगी कि एक अच्छा पीरियड है, बिकॉज सम हाउ यू मे नॉट टच योर बुक्स, और कुछ जो जिनको पढ़ना ही है, दैट आई हैव टू स्टडी, तो वो जो एफर्ट है वो शायद आपको कम लगे या लगे ही ना, आसानी से आप जो है चीजें वो लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो. सो दैट्स देयर, क्योंकि आप शायद इंटरनली भी काफी ज्यादा हैप्पी हो. कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, द स्प्रिंग, जो एक स्प्रिंग टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता ही करता है. इवन इफ यू आर यू नो इन अ प्लेस, एक चार दीवारी में हो, स्टिल यू नो दैट इट्स द मंथ ऑफ मार्च. यू नो कि अब जो है सुंदर सुंदर फूल खिलने वाले, गुलशन गुलशन. सो दैट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी. और हर किसी को स्प्रिंग अच्छी लगती है. नो कुछ लोग हैं ऐसा हो सकता है जिनको पॉलन की प्रॉब्लम भी हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली कलर्स किसको नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद कलर्स, एवरीबडी लव्स और लाइक्स कलर्स. सो दैट्स देयर. एंड होली भी आ रही है फॉर इंडियंस, राइट? सो पाइल नंबर नो, सो लियो, दिस वॉज योर रीडिंग. आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो वर्गो, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो मार्च का मंथ है वो रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज और फाइनेंशियली, एजुकेशनली, प्रोफेशनली कैसा जाता है, ये इसके बारे में आज रीडिंग हम करने वाले हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक क्विक लिटल यू कैन से इंट्रोडक्शन, और आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ वर्गो. सो द साइन ऑफ वर्गो इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, येस, एंड इट्स अ थमासिक साइन, इट्स ए अर्थ साइन. और जो वर्गो साइन है, इट डील्स विद द ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विद कॉम्पिटिशन, इट डील्स विद योर डेली वर्क रूटीन, इट डील्स विद यू नो डीलिंग विद डिजीजेस, एनिमीज. इट्स अबाउट कि आप जो हो अपने एनालाइज करो अपने आप को, अपने वर्ड्स को, अपने कर्म को. यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, दैट्स वर्गो. सो दैट्स अ लिटिल क्विक इंट्रोडक्शन to the Virgo side. I know many of you would already know that, but I thought ki kuch you know information deni chahiye jinko nahi pata. So let's just see aapka jo March ka month hai wo kaisa rehta hai, love relationships ko lekar, us aspect mein aapka jo March ka month hai wo kaisa jata hai, rehta hai Virgo. All right, we have the Seven of Pentacles here and we have the Justice card. All right, yahan par number 7 becomes really important for you, really, because Justice is the original 7th house. सेवन ऑफ पेंटिकल इट सेल्फ सेवन आ रहा है. तो लव रिलेशनशिप्स में ऐसा हो सकता है, अगेन ये रिलेशनशिप जो है लियो की तरह ही स्लो चले. लियो में भी काफी स्लो रिलेशनशिप था, बट डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपको ब्लूम करता हुआ दिखेगा, बिकॉज लियो में हाँ या ना इट वॉज अनसर्टेन, बट फॉर वर्गो आपके लिए आपको सर्टेनिटी या फिर आपको जो है कुछ ना कुछ उससे रिजल्ट दिखने लग गए हैं उस रिलेशनशिप से. मे बी दैट पर्सन जस्ट स्टार्टेड टू ट्रस्ट यू मोर, स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन यू मोर. सी, इन अ रिलेशनशिप वन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, one has to be dependent on other. If one is really very independent, then also relationship does not flourish or does not bloom. So aapko jo hai ek dusre pe depend hona padta hai, chahe wo emotionally aap depend ho, but you have to depend, you have to fall for a person. To aisa ho sakta hai the march, the month of march, aap jo ho you fell for someone, it can happen. But again, in my last reading, as I've told you, do not fall for someone until and unless you are at the mandap. Especially for certain nakshatras, do not fall for someone easily, or just do not fall for anyone romantically if you are not at the mandap. But yahan par jo hai aisa ho sakta hai, dekho dil to dil hai aur man to man hai, emotion emotion hai, they are flowing. That's why Cancer, which represents emotion, water sign it. So the flow of emotion, we cannot just stop that. So you may feel that you are in love, you just fell in love,
और वो ऐसे हो सकता है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफकोर्स जब अगर कोई रिलेशनशिप टूटता है तो बहुत दुख होता है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इमोशनली, डोंट रियली डिपेंड अपॉन अदर पर्सन. बट इफ यू हैव सम काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन दैट यू नो आई एम गोना कमिट टू यू इन 7 months और फ्यू मंथ्स, देन डेफिनेटली फॉल फॉर दैट पर्सन. बट स्टिल द गाइडेंस इज द सेम दैट डू नॉट फॉल फॉर समवन अंटिल एंड अनलेस यू आर एट द मंडप. बट यहां पर जस्टिस कार्ड है जो कि एक लीब्रा साइन को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसा हो सकता है जो ये लव रिलेशनशिप हो या आपका मैरिज में कन्वर्ट हो, कोई ना कोई कमिटमेंट रिलेटेड चीज हो सकती है आपके लिए वर्गो. बट डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे ही फ्लरिश हो रहा है. ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप काफी काफी टाइम से हो एंड नाउ दिस पर्सन इज गोना टेल यू दैट यू नो आई एम रेडी फॉर मैरिज, लेट जस्ट गेट मैरिड और लेट जस्ट मेक द यू नो कमिटमेंट नाउ. सो डू द कमिटमेंट नाउ. सो दैट्स गोना हैपन, दैट कैन हैपन इन योर केस वर्गो. सो दिस कैन हैपन. जो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे उनके लिए यहां पर ये है कि ऐसा हो सकता है अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ हो. आपके पेरेंट्स जो है आपको एक अरेंज मैरिज की जो बात है उससे सरप्राइज करें. या आई मीन व्हेन इंडियन पेरेंट्स गिव यू अ सरप्राइज, इट्स अरेंज मैरिज. मैंने ये कहीं यूट्यूब पे देखा था, इट्स नॉट माइंड. सो इट्स वेरी ट्रू. व्हेन नो आई मीन देर आर वेरी लेस इंडियन पेरेंट्स हु सरप्राइज देयर चिल्ड्रन, बट व्हेन दे डू सरप्राइज देयर चिल्ड्रन दे गिव देम अ बिग सरप्राइज एंड दैट्स अरेंज मैरिज. सो इट कैन हैपन दैट यू समहाउ कम अक्रॉस अ पर्सन जो कि अरेंज मैरिज के थ्रू आपके पास आए हों एंड यू काइंड ऑफ फील अ होप विद देम दैट यू विल फील हैप्पी विद देम. सो सम काइंड ऑफ यू नो अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन. अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन विद यू इन द मंथ ऑफ मार्च. इट कैन हैपन दैट योर पेरेंट्स कम अप विद दिस रिश्ता फॉर यू और आप जो हो आप कहते हो ओके लेट जस्ट सी क्या होता है एंड देन यू मीट दैट पर्सन एंड यू आर लाइक ओके यू आर एनालाइजिंग बिकॉज वर्गो रिप्रेजेंट्स एनालाइजिंग एंड मून इन वर्गो इट्स लाइक ओके दिस पर्सन इज लाइक दैट ओके शुड प्लस माइनस डिवाइड का साइन यहां लगा दिया ओके अगर मैं ये होता है या ये होता है ओके इसका रिजल्ट ये आने वाला है. दैट इज एनालाइजिंग. यू आर गोना एनालाइज द रिलेशनशिप इन अ वेरी यू कैन से एक छोटे से छोटी चीज भी जो होगी यू आर गोना एनालाइज दैट ऑल्सो विच आई फील इट्स ओके बट ओवर एनालाइजिंग इज ऑल्सो बैड. सो ऑफकोर्स डू योर थिंग वर्गो बट दैट कैन हैपन इन योर केस इफ यू आर एट अ मैरिजेबल एज एंड यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप. इट कैन हैपन कि आपके जो पेरेंट्स आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आए कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च आपके लिए. ऑल राइट आपके करियर को लेकर आपकी एजुकेशन को लेकर वर्गो कोई अगर हमें प्रिडिक्शन करनी हो तो क्या करेंगे हम आपके लिए करियर को लेकर प्रिडिक्शन. ऑल राइट एजुकेशन को लेकर प्रिडिक्शन. यहां पर द लवर्स कार्ड है एंड द चैरियट है. ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करो और यहां पर एक और कार्ड है द हर्मिट कार्ड. द हर्मिट इज द वर्गो साइन. आई मीन दिस इज एन एक्स्ट्रा कार्ड आई वुड से. ये जो चैरिट और द लवर्स है ऐसा हो सकता है आपका जो काम में है मन अच्छे से लगे, आपकी एजुकेशन में आपका मन अच्छे से लगे. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जैसा मैंने कहा कि आप जो हो ट्रैवल करो अपने वर्क रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है. एंड यहां पर जो हर्मिट एनर्जी है वो डेफिनेटली वर्गो को डिस्क्राइब कर ही रही है एज आई टोल्ड यू कि आप जो काफी क्रिटिकल हो जाओ लोगों को लेकर. यू बिकम अ पर्सन हु एनालाइज एवरीथिंग. हर चीज के प्रोज और कॉन्स जो है आप गिनने बैठ जाओ. दैट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च. वो चाहे करियर से रिलेटेड हो चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड हो. यू बिकम एक्सट्रीमली एनालिटिकल. आपके जो सेंसेस भी होंगे वर्गो इन द मंथ ऑफ मार्च वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे. आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी. आपका लॉजिक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो उसे ठीक डायरेक्शन में यूज करना जो है ये गाइडेंस है. यूज इट इन योर वर्क बट डू नॉट ओवर यूज, ओवर थिंक, ओवर एनालाइज. दैट्स द की. यू विल हैव द आई फॉर डिटेल्स. दैट्स देयर. एंड या दैट वॉज द रीडिंग. ऑल राइट वर्गो. सो जो आपका मंथ है मार्च का जस्ट analyze everything. I'm not saying do not analyze. Analyze everything. See everything. Pros and cons देखो. But of course उसको इतना भी दिल पे मत लेके जाओ. उसको जो है अपने subconscious mind में जो है वो मत लेके जाओ. That's the key here. तो वर्गो मैं मिलती हूँ आपसे next reading के time. तब तक के लिए be positive. Stay happy.
हेलो लीब्रा, तो यह आपकी रीडिंग, आपका जो मार्स का मंथ है वो कैसा जाता है रिलेशनशिप्स में, और आपके लव को लेकर जो है क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपके करियर को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो हम कहेंगे। और उससे पहले जस्ट अ क्विक से अबाउट लीब्रा साइन। लीब्रा इज द साइन विच डील्स विद द यू कैन से स्केल्स, इट डील्स विद बैलेंसिंग। लीब्रा इज द मोस्ट अनस्टेबल अनबैलेंस्ड साइन इन द जोडियक, बिकॉज अ लीब्रा पर्सन इज ऑलवेज बैलेंसिंग कि अपने इमोशंस, अपने जो फाइनेंसेस, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन, हर चीज को द लीब्रा पर्सन इज ऑलवेज बैलेंसिंग। आई मीन वट एवर यू नो असेंडेंट यू आर, यू kind of, if let's say Libra sign is occurring in the 10th house, what do we see from 10th house is that you are always kind of balancing your professional life and your home life, always. For a woman, they are kind of doing that because she also have to see the house and she is also responsible for her job, so she is balancing both. And Libra sign will occur in any house for you. If you like for example, you are a Taurus ascendant, Libra is occurring in the 8th house. And 8th house deals with your, you know, bed pleasure. 8th house deals with your in-laws. 8th house deals with your psychological baggage. It also deals with ups and downs, accidents, surgeries. So what it means that you are always kind of balancing things out when it comes to behind the scenes. In your house, with your in-laws, the relationship with the in-laws, you're always kind of balancing that aspect in your life. So that's there because things are always imbalanced, so you kind of are balancing those things, and people say that, oh my gosh, you are such a balanced person, but you know how you are balancing that. So let's see, how is your love relationship? आपका जो लव रिलेशनशिप है, अगर आप कमिटेड हो या फिर आप जो है एक, आप जो हो एक रिश्ता ढूंढ रहे हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उन सबको लेकर जो है प्रिडिक्शन हम करते हैं। ऑल राइट, वी हैव एस ऑफ कप्स हेयर एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी इज हेयर, अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी इज हेयर एंड अ लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव इज हेयर। देयर इज लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो। सो द थिंग इज दैट यू कैन बी अ पर्सन हु इज वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू लव। देखो, वन देयर आर सर्टन पीपल हु आर वेरी रोमांटिक एंड देयर आर सम पीपल हु आर वेरी पैशनेट। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट इमोशंस, बोथ आर डिफरेंट इमोशंस। अ पैशनेट पर्सन विल बी ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, वेयर अ रोमांटिक पर्सन इज ए इन अ जॉली मूड। बींग रोमांटिक, बींग इट्स अ जॉली मूड, वेयर इज अ पैशनेट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द गो, always want to do something, because passion is represented by Mars and Mars is a soldier mentality, and soldier wants to do, I mean, it's a very practical person. So always, a soldier always want to do something, whereas a romantic person, a Venus person is like, oh, I want to, you know, wear this, oh, I want, I am into this jolly mood, I am so happy and this and that. So that's Venus is a small little girl, whereas Mars is that macho man. Mars is Hanuman. It's the Superman also. So again, the macho energy, or you can say passionate, being passionate is different, being romantic is different. And this month, you are going to feel both of them. You are going to have the best of both worlds when it comes to love and romance in this month. If you are in a relationship, this is the time where you can feel the most love in your life. This is the time period, अगर आप relationship में हो, जहां पर आप बहुत extreme जो है अपने partner से passion, extreme romance जो है आपकी life में अपने partner की वजह से आ सकता है। And all those people who are you know single and wants to get into relationship, ऐसा हो सकता है आपकी life में कोई person आए, and that person is like a person who knows how to dress up, who knows how to talk, who knows what unconditional love is. So it's a full on package going on for you, for Libra. It's full on like this person, whosoever is going to come to you, they are a package. मतलब उनको जो है इमोशनली भी पता है कि कैसे डील करना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कैसे चलना है उनको वो भी पता है, और ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स अ फुल पैकेज फॉर यू। लेट्स सी, आपका जो करियर है लीब्रा वो कैसा रहता है, आपकी एजुकेशन कैसी रहती है लीब्रा। In the month of March, we have 10 of Pentacles and we have 9 of Cups. A lot of wealth is going to come to you.
आपकी कोई एफडी भी मैच्योर हो सकती है, कोई फैमिली की तरफ से भी आपको जो है वेल्थ मिल सकती है, इसके हाई चांसेस हैं. टेन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, मीनिंग वेदर यू आर इन एजुकेशन, वेदर यू आर इन जॉब, यू आर डूइंग अ बिजनेस, अबंडेंस इज देयर. दैट्स इट. टेन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. So definitely wealth is going to come. Nine of cups also represents the ninth house of luck. So definitely luck jo hai. This month, I mean Libra, ye kafi acha jane wala hai. Chahe career hai, chahe education hai. Sari taraf se ek tarah se spring time hai aapke liye. So amazing time for you when it comes to career, when it comes to education, when it comes to wealth. So wealth is going to come for sure. And when it comes to love, relationship, my gosh, this is dreamy. This is dreamy. All right. So this was your reading, Libra. I think काफी ये सबसे best file गई है अभी तक. और yeah, that was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो स्कॉर्पियो, तो ये है आपकी रीडिंग. आपका जो मार्च का मंथ है, लव रिलेशनशिप्स को लेकर और आपके करियर को लेकर कैसा जाता है, आपके एजुकेशन को लेकर कैसा जाता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट जस्ट ए क्विक लिटिल से अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज द ओरिजिनल एट्थ हाउस विच डील्स विद योर अप्स एंड डाउन्स, विच डील्स विद योर इन लॉज, विच डील्स विद मिस्टिसिज्म, विच डील्स विद योर इन लॉज. इट डील्स विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, सर्जरीज एंड things which we cannot see is all related to the sign of Scorpio. So let's see, aap jo ho, because in the sign of Scorpio moon gets debilitated, naturally the person have psychological issues. They have, you would have that, and yeah, that's something you are born with. So if Ketu or Rahu aspected the moon, definitely we can predict that in the dasha of moon you may get into depression. It can happen, but of course degrees and certain other things also matters, but we can predict that you will have psychological issues and psychological baggage. So that's there. It's a karmic sign. Scorpio is a karmic sign. So let's see, aap jo ho, aapka March ka month kaisa rehta hai. Scorpio ka jo March ka month hai, love relationships ko lekar, wo kaisa rehta hai. We have Two of Swords here and we have Queen of Wands. यहां पर जो है एक person को लेकर confusion हो सकता है आपको कि ये person है कैसे, you just cannot understand that person. Queen of Swords here is representing, आप उन्हें दूर से observe कर रहे हो and you are just not coming to a conclusion कि एक हम image बनाना चाहते हैं, हम हर किसी को judge करना चाहते हैं, हम हर किसी के बारे में एक image बनाना चाहते हैं कि ये person है कैसे. एंड जो भी ये पर्सन है आपको कंफ्यूज कर रहा है, दैट पर्सन इज वेरी विटी एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प. दैट्स वाई वो आपको जो है एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन में रख रहे हैं कि वो कैसे पर्सन है. सम हाउ ही और शी आर नॉट शोइंग देयर ओरिजिनल फेस. दैट्स देयर, देयर इज दिस कंफ्यूजन कि ये पर्सन है कैसे, बिकॉज दे आर सर्टन पीपल जिनकी हमारे मन में जो इमेज होती है वो हमेशा ब्लर रहती है. वी जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. एंड जो चीज जो है हमें समझना है, जो चीज हमें मिस्टीरियस लगे, जो पर्सन हमें मिस्टीरियस लगे, डोंट यू थिंक कि वो पर्सन जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज एवरीबडी थिंक दैट दिस पर्सन हैव सम मिस्ट्री, दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस एंड एवरीबडी लुक्स एट देम. सो जो भी आपके पर्सन है, सिर्फ आप ही नहीं हो जो उनको लेकर कंफ्यूजन में हो, उनको लेकर डाउट में हो, देयर विल बी पीपल अराउंड देम, देयर विल बी पीपल अराउंड यू who will say that, you know, that person is very mysterious. I just cannot understand that person. And that person can even become the center of attraction. So, जो भी एक person है, एक romantic person जो आपको लगते हैं, जिनके साथ आपको एक romantic connection लगता है, काफी ज्यादा mysterious हो और center of attraction हो. And you are just like this Queen of Swords, you are thinking about him, you're observing him, you are not saying anything, but you are just observing. और आप देख रहे हो कि ये पर्सन है कैसे, बट डेफिनेटली यू आर नॉट शोइंग द इंटरेस्ट दैट हे आई एम इंटरेस्टेड इन यू एंड यू आर नॉट गोना से दैट, यू जस्ट ऑब्जर्विंग. ऑल राइट, यू आर ऑल्सो बींग मिस्टीरियस. इफ दैट पर्सन इज मिस्टीरियस, यू आर ऑल्सो बींग मिस्टीरियस. कोई भी जो है आप दोनों में से नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाने वाला, दोनों ही एक अगेन दूर से ही देखने वाले लोग है कि अच्छा दिस इज द पर्सन.
सो दैट्स देयर. तो ये थोड़ा एक स्टेगनेंट और एक ऐसा रिलेशनशिप है जो काफी मिस्टीरियस होने वाला है. इवन इट कैन हैपन, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में अभी हो और किसी को पता ही ना हो कि आप रिलेशनशिप में हो, इस पर्सन के साथ हो. कुछ मतलब यहां पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं और किसी को पता भी ना हो कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो एंड यू आर नॉट सिंगल एनी मोर. ये इस टाइप का भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी के साथ इन द मंथ ऑफ मार्च. और यहां पर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड थे उनके लिए ऐसा हो सकता है, वो एक दूसरे को और समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं, बिकॉज एट्थ हाउस ऑल्सो डील्स विद सीक्रेसी, स्कॉर्पियो साइन डील्स विद सीक्रेसी, अपने सीक्रेट्स जो है दूसरे से शेयर कर रहे हैं. और वो भी जबरदस्ती, कोई नहीं कह रहा कि तुम शेयर करो शेयर करो, नो, एक दूसरे के मुंह से वो बातें निकल रही हैं जो सीक्रेट्स थी, बट नाउ दे आर नॉट अ सीक्रेट एनी मोर. तो जो कमिटेड लोग हैं उनके लिए कुछ न्यू सीक्रेट्स, उनके लिए कुछ न्यू चीजें अपने लव पार्टनर के बारे में जानना ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च. अब आपके करियर को लेकर हम देखते हैं, स्कॉर्पियो, आपका जो करियर है, आपकी एजुकेशन है, वो कैसी रहती है. ऑल राइट, वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स हियर एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स हियर. तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने ही वाली हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. इफ यू फील दैट कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं था, कोई यू नो कोई न्यू चीज आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी इन टर्म्स ऑफ करियर, तो वो जो है न्यू प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं और काफी बिजी रह सकता है ये वाला मंथ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन एजुकेशन ऑल्सो. कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ न्यू शुरू होना, वो चीज यहां पर नजर आ रही है. बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ट्स रिप्रेजेंट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश कमिंग टू यू, एंड एट ऑफ वॉन्ट्स रिप्रेजेंट्स अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज, मेनी अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू. सो दोनों ही कार्ड जो है वर्कोहॉलिकनेस तो दिखाई रहे हैं, बट साथ ही साथ कोई न्यू चीज आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट जो आपको जो है कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन और फेम देगा अपने वर्क एनवायरनमेंट में, प्रोफेशन में. अपने आप को प्रूव करने का जो है ये टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है. ऑफकोर्स यहां पर अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये भी होता है कि कुछ लोगों के लिए आप में से कंपटीशन क्रिएट हो और उन कंपटीशन को आप विन करो, और आपने कंपटीशन विन करा, नाउ यू आर गेटिंग द फेम रिकॉग्निशन प्राइज ऑल्सो. सो दैट्स देयर. तो करियर वाइज इट्स गोन बी अ टाइम पीरियड जहां पर आप जो हो काफी ज्यादा गेन करो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिकॉग्निशन, ये चीजें जो है आप गेन करोगे. ऑल राइट स्कॉर्पियो, तो ये थी आपकी रीडिंग. मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो सेजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपका जो मार्च का मंथ है वो कैसा जाता है. आप अपने मार्च के मंथ में आपका करियर, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसे होते हैं. एंड बिफोर दैट लेट जस्ट क्विकली से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ सेजिटेरियस. तो साइन ऑफ सेजिटेरियस इज आर ओरिजिनल लाइन हाउस विच डील्स विद लक, विच डील्स विद पिलग्रमेजेस, विच डील्स विद योर हायर एजुकेशन, पीएचडी, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन. जो भी आप एजुकेशन अपनी एक ग्रेजुएशन के बाद लेते हो, कोई कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करते हो, कोई डिग्री लेते हो, दैट इज ऑल सीन फ्रॉम द नाइन्थ हाउस, फ्रॉम द साइन. एंड नाइन्थ हाउस इज द ओरिजिनल साइन ऑफ सेजिटेरियस, राइट? इवन इफ यू आर एनी असेंडेंट, देन ऑल्सो द ओरिजिनल, और यू कैन से वो जो एक घोस्ट है सेजिटेरियस का इन द नाइन्थ हाउस, वो हमेशा रहेगा. विन इफ यू लेट से आर एक्वेरियस असेंडेंट, देन ऑल्सो द घोस्ट ऑफ सेजिटेरियस विल बी देयर इन द नाइन्थ हाउस. एंड नाइन्थ हाउस ऑल्सो डील्स विद योर हायर एजुकेशन प्लस योर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पिलग्रमेजेस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन. सो दैट्स देयर. ऑलराइट, तो हम देखते हैं आपका जो मंथ ऑफ मार्च है सेजिटेरियस, वो उसके अंदर लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, लव रिलेशनशिप कैसे रहते हैं. ऑल राइट, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स हियर एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, तो यहां पर जो है ऐसा हो सकता है आप जो काफी टाइम से अपने लिए कोई एक पार्टनर ढूंढ रहे हो और एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, पार्टनर ढूंढ रहे हो, एंड दैट पार्टनर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो. जो भी ये पर्सन है जिसके साथ भी आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, वो आपको मिल ही नहीं रहे. यू आर जस्ट यू नो लुकिंग, बट यू जस्ट कैन नॉट फाइंड देम. एंड देन सडनली, जस्ट लाइक अ किंग, जस्ट लाइक अ लियो, द पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड दैट पर्सन इज वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव.
बट डेफिनेटली वी कैन से आप जो काफी ऐसे एकदम सीरियस होके सीरियसली एक रिलेशनशिप की तलाश में, आई मीन दिस कैन बी सीन टू वॉन्ट्स रिप्रेजेंट्स दैट यू आर लुकिंग एट पीपल, यू आर एनालाइजिंग पीपल. अरे ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा, नहीं 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 ये पर्सन आई डोंट लाइक दिस पर्सन, ओके ये पर्सन. जैसे वो आंटीज नहीं होती शादियों के अंदर जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रही होती हैं, उस तरह से मे बी आप लगे हुए हो ढूंढने के लिए किसी पर्सन को. दैट्स रियली फनी. और सडनली दिस पर्सन लाइक अ किंग मेक्स एन एंट्री इन योर लाइफ. इट कैन हैपन लाइक दैट, इट कैन हैपन लाइक दैट, बिकॉज लाइफ जो है बहुत कलरफुल है. ऐसा होता है कि यू नो यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन सडनली कम्स इन योर व्यू एंड यू आर लाइक ओ माई गॉश दिस इज द पर्सन. सो ऐसा जो है सिनेरियो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो बट आपको कोई मिल नहीं रहा हो, एंड देन यू फाइंड दिस पर्सन हु इज फिजिकली एंड सेक्सुअली अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एंड दिस पर्सन हैज द लियो एनर्जी इन देमसेल्फ. दे हैव दिस लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव द क्वालिटी टू शाइन. मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल में भी आपको ये पर्सन जो है अकेले एक अलग से ही दिखेंगे. इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो छुप नहीं सकती है. दिस पर्सन इज वेरी डायनामिक इन देयर अप्रोच, दे आर वेरी डायनामिक इन देयर स्पीच एज वेल. द वे दे स्पीक, द वॉइस कैन ऑल्सो बी रियली अट्रैक्टिव, देयर वॉइस कैन बी अट्रैक्टिव, एंड द वे दे ड्रेस अप ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव. सो दैट्स देयर. ऑलराइट, जो ये रिलेशनशिप होने वाला है ये काफी एकदम से फास्ट क्विक नहीं होगा. दिस रिलेशनशिप विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस इज नीडेड हेयर. बट डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है, ऐसा हो सकता है दिस पर्सन रशेस इन टू रिलेशनशिप्स. दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वेन ही सीज यू और वेन यू सी देम, द आई कॉन्टैक्ट यू मेक विद ईच अदर, इट कैन हैपन दैट सडनली देयर जस्ट अ शिफ्ट हैपन्स इन बोथ ऑफ यू एंड काइंड ऑफ इट कैन हैपन दैट बोथ ऑफ यू रश इन टू थिंग्स. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. बट डेफिनेटली ये आपके पर्सन हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं. बिकॉज सी सेजिटेरियस इज ऑल्सो फायरी साइन, लियो इज ऑल्सो फायरी साइन. द फायर इज देयर, द पैशन इज देयर, बट डू कंट्रोल योर सेल्फ. दैट्स अ थिंग. एंड ऑल दोज पीपल हु वर इन अ रिलेशनशिप, हु आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, कि आपका जो रिलेशनशिप है एक नेक्स्ट लेवल पर जाए और भी ज्यादा पैशनेट हो जाए, नॉट रोमांटिक, पैशनेट हो जाए. सो दैट्स देयर. तो अब हम देखते हैं आपका जो करियर है, आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी होती है. आपके जो करियर है, आपका जो एजुकेशन है वो कैसा जाता है. द मंथ ऑफ मार्च, लेट्स सी. वी हैव द टावर कार्ड एंड वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है. ऑल राइट, ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपनी जो है जॉब लीव करना चाहें, कोई न्यू कंपनी में जाना चाहे, कोई न्यू चीज जो है आप करना चाहो और अपनी पुरानी जो जॉब है, प्रोफेशन है, उसको छोड़ना चाहो, उसको यू नो यू जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू परस्यू इट एनी मोर. इट कैन हैपन वो एक डिससेटिस्फैक्शन जो काफी काफी टाइम तक चली, उसकी वजह से यू टुक दिस स्टेप, यू आर टेकिंग दिस स्टेप जहां पर आप अपना जो करियर है, प्रोफेशन है, वो चेंज करना चाहो और आप चेंज कर भी दो. यू मे लीव योर जॉब एंड यू नो अप्लाई फॉर समथिंग एल्स, अप्लाई टू अनदर कंपनी और वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. आई थिंक ये जो पाइल है सजिटेरियस, ऐसा हो सकता है आप जो हो अपना करियर स्विच करो, कुछ और करना चाहो. दैट्स देयर. एंड वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स कि नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. वेन इट कम्स टू करियर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू. सो दैट्स देयर. सो कुछ लोग ऑफकोर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोग जो है वो अपना जो करियर है वो 360 डिग्री चेंज लेकर आए, कुछ लोग जो है जो जॉब से बिजनेस में आ जाए, कुछ ऐसा स्विच जो है वो जरूर होने वाला है. जो एजुकेशन में है, ऐसा हो सकता है जो लाइन है वो ही बदल दें, अपनी जो फील्ड है वो ही बदल दें. ऐसे भी यहां पर चांसेस है, जो गोल लेकर वो बैठे थे वो गोल वो चेंज कर दें, ऐसा हो सकता है. बट अगेन जो भी ये चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है, सडन हो सकता है बट चेंज है, अच्छा चेंज है. सो इट्स अ गुड थिंग. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. ऑलराइट, सो सेजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग. मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैप्रिकॉर्न, तो ये है आपकी रीडिंग. आपका जो मार्च का मंथ है वो कैसा जाता है, लव रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके एजुकेशन करियर को लेकर. बिफोर दैट लेट जस्ट से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द ओरिजिनल 10th हाउस एंड इट डील्स विद योर रिकॉग्निशन, रेप्यूटेशन, इट डील्स विद द सोशल स्टेटस.
in the society, your social status in the society. It deals with your professional network circle. It deals with the people you meet in your work environment. So overall, it's a very opportunist sign also, because if you know, हम कैप्रिकॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, मकर. एंड मकर इज द मगरमच्छ. मगरमच्छ इज लाइक व्हेन यू नो मगरमच्छ इज ऑलवेज डूइंग दिस. जब भी कोई प्रे आया, दे जस्ट दे ओपन देयर माउथ एंड जब प्रे आया दे क्लोज इट. व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस इज दैट द पर्सन बिकम्स एन अपॉर्चुनिटिस्ट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, वेदर इट्स लव रिलेशनशिप, वेदर इट्स करियर. दे जस्ट ग्रैब अपॉर्चुनिटीज. They just do that. They grab opportunities because they think कि अब जो है अगर मैंने opportunity grab नहीं करी, अगर ये जो मौका मैंने गवा दिया तो ये फिर कभी नहीं आने वाला. ऑल दो मौके आते रहते हैं, बट ए Capricorn person, ए Capricornian will always say that नहीं 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 आई हैव टू ग्रैब दिस deal. जस्ट लाइक अश्विनी, Capricorn behaves somehow in a अश्विनी way, because अश्विनी also jumps into things. And Capricorn also kind of grabs and jumps into situations where they think ki ye situation ya ye opportunity fir nahi aayegi, so I should just grab this opportunity out now. So this is the thinking, this is the mentality of a true Capricornian and Ashwini also. Let's just see aapke jo love relationships hain wo kaise rehte hain. Love relationship Capricorn ke in the month of March. All right, we have the Two of Wands here and we have Knight of Swords here. Two of Wands represent that you were looking for relationship for quite a long time now. और अब जो है आपकी तरफ कोई person जो है काफी quickly आने वाले हैं, और काफी Mars वाली energy है इस person की. जो भी ये person है काफी ज्यादा सोल्जर मेंटालिटी वाले पर्सन है, यानी हर चीज जो है अभी करना चाहते हैं, अभी एक रश करना चाहते हैं. आई थिंक द कंपैटिबिलिटी विल बी ग्रेट बिकॉज यू योर सेल्फ हैव मून इन द साइन ऑफ Capricorn, विच आई टोल्ड यू इट्स डील विद, इट डील्स विद यू नो ग्रैबिंग दोस अपॉर्चुनिटीज, बींग दैट गोल ओरिएंटेड पर्सन. सो योर पर्सन, योर रोमांटिक रिलेशनशिप, जिस किसी के साथ भी आओगे आप इस रोमांटिक रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है ये पर्सन भी उसी मेंटेलिटी के हो जिस मेंटेलिटी के आप हो. सो द कंपैटिबिलिटी कैन बी देयर, अ गुड कंपैटिबिलिटी विल बी देयर. और यहां पर जो भी पर्सन है एथलेटिक जरूर होने वाले हैं. ऐसा हो सकता है आप और जो भी ये पर्सन है काफी सारी स्पोर्ट्स और ये एक्टिविटीज ऐसी करो एंड यू एंजॉय इट टुगेदर. It can happen. You become one of those power couples who work out together, go to gym together. So, us type ka aapka relationship ho sakta. Even if you are not a person right now who really believes in gymming or you know taking care of health and doing exercise, but after meeting this person, you somehow get into health, get involved in taking care of your health. So somehow this person also makes you realize that health is important. You have to do something for your body as well. So ये जो है एक workaholicness, not in career, but आपकी जो physical body है उसके लिए ये एक awareness ये person आपकी तरफ लेकर आए. Definitely जो लोग already relationship में, ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने relationship को next level पर लेके जाओ, but more so ये जो next level एक physical level पर लेके जाओ. So I hope you are using protection. That's the number one thing. If you are like even married, not married, doesn't matter. What matters is that you are safe and you're protected. So that's important. So let's just see aapke jo career hai usko lekar aur aapke profession, aapke jo education hai usko lekar agar hame prediction karni ho to hum kya karenge. Prediction करियर और एजुकेशन, आपकी वर्क लाइफ. ऑल राइट, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द मून कार्ड हियर. ऑल राइट, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने करियर से थोड़ा ब्रेक लो. कुछ लोग ऐसा हो सकता है करियर में ब्रेक लें, कुछ लोग ऐसा हो सकता है अपने जो एक हेल्थ है उसको लेकर काफी अवेयर हो जाएं. एक है कि आप काफी टाइम से वर्क जो है अपना घर लेकर आ रहे थे, और अब जो हो आप वर्क अपना ऑफिस में ही कंप्लीट कर लेते हो, एंड व्हेन यू कम टू होम, यू कम टू होम, यू डू नॉट वर्क, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू टेक केयर ऑफ योर लव रोमांटिक पार्टनर, बट यू काइंड ऑफ आर इन अ स्टेज, यू विल बी इन अ फेज इन द मंथ ऑफ मार्च जहां पर आप जो हो काफी रिलैक्स फील करो इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो.
आपकी जो स्लीप है इट बिकम्स गुड. आई मीन इट कैन हैपन कि काफी टाइम से अगर आपको जो है स्लीप इश्यूज थे वो स्लीप इश्यूज ठीक हो जाएं और आप अपनी वर्क लाइफ से सैटिस्फाई हो. दैट्स समथिंग विच आई एम सीइंग हियर. यहां पर कोई वर्कहोलिकनेस इन टर्म्स ऑफ वर्क करियर एजुकेशन नहीं नजर आ रही है, यहां पर एक रिलैक्सेशन नजर आ रही है. तो यू आर सैटिस्फाइड, जो भी आप काम करो यू आर सैटिस्फाइड कि हाँ वट एवर आई एम डूइंग मैं अच्छा जो है मुझे पेमेंट मिल रही है एंड वट एवर वर्क दे आर गिविंग मी इट्स गुड. I am happy. I am satisfied. ये जो satisfaction है emotional satisfaction from work, through work, from education, वो रहेगी आपके अंदर मार्च के मंथ में. That's there. But definitely ऐसा हो सकता है कुछ जो लोग हैं education में उनके लिए एक new phase जो है शुरू हो गया पुराना खत्म हो गया. एक new phase यानी कि एक new class, एक न्यू सब्जेक्ट में भी इंट्रोड्यूस हुआ हो या फिर एक न्यू क्लास में आप जा रहे हो. बिकॉज यहां पर द मून कार्ड है, द मून कार्ड रिप्रेजेंट न्यू साइकिल इज गोना स्टार्ट, द ओल्ड वन हैज टू एंड. सो डेफिनेटली कुछ न्यू शुरू होना आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, बट एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड इन योर करियर, यू आर सैटिस्फाइड, दैट्स वॉट इट इज. सो ऑफकोर्स यहां पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है तो इट वुड हैव हैपेंड कि आपने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अपने फेब्रुवरी के मंथ में ली हो एंड नाउ इन द मार्च यू आर लाइक ओके आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स नाउ. बट येस, इफ एन अपॉर्चुनिटी कम इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो यू आर गोना वर्क. बट उससे आपको सेटिस्फैक्शन होगी. समटाइम यू वर्क एंड यू जस्ट डू नॉट गेट सेटिस्फाइड, बट इन द मंथ ऑफ मार्च आप जो हो आपको सेटिस्फैक्शन काफी ज्यादा मिलने वाली है अपने वर्क से. सो दैट्स देयर, दैट्स ग्रेट. सो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो मार्च का मंथ है, लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं. एंड बिफोर दैट लेट जस्ट से फ्यू वर्ड्स, फ्यू लाइंस अबाउट द साइन ऑफ एक्वेरियस. सो द साइन ऑफ एक्वेरियस डील्स विद प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. सी सिक्स्थ हाउस द वर्गो साइन इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. द भवात भवम ऑफ सिक्स्थ हाउस is the sign of Aquarius, meaning the highest of sixth house. If you count six places from the sixth house, if you count six signs from the sixth sign, which is Virgo, what do you say? What will come after the six signs? It's the sign of Aquarius, right? Virgo, Libra, we have Scorpio, Sagittarius, Capricorn. The sixth sign is what? Aquarius. So the highest or the higher form of Virgo is Aquarius. Virgo deals with non-profitable organization, whereas Aquarius deals with profitable organization. Alright? And sixth house deals with your pets, cats, dogs, domestic pets. Whereas the 11th sign, the sign of Aquarius, deals with the wildlife. So that's there. And your 11th house deals with your elder sibling, it deals with your network circle, it deals with the wealth, or you can say wealth coming from the authority. 10th house is your authority and the wealth or the gains from the authority seen from the 11th house. So that's really important. And yeah, sign of Aquarius is ruled by Saturn. So Saturn gives wealth. Saturn is, of course, it's not the significator of wealth. The karak of wealth is Jupiter. But the dasha of Saturn, yes, in the dasha of Saturn, one gains wealth. Because it's the natural, 11th house is ruled by Saturn. Of course, the Karka is Jupiter. But wealth-giving planet is, we can consider Saturn a wealth-giving planet. Although many people say that the Saturn is very harsh, it's very dry. But no, Jupiter Dasha gives the most hard work in one person's life. Whereas Saturn period, a person can gain wealth. Because 11th house is ruled by Saturn. Alright, so that's there. लेट जस्ट सी आपका जो मार्च का मंथ है एक्वेरियस वो कैसा रहता है व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप. मार्च का जो मंथ है आपका कैसा रहता है एक्वेरियस, मार्च का लव रिलेशनशिप में आपका जो मंथ है कैसा रहता है. वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हियर एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड हियर. ओके, ऐसा हो सकता है कि आप जो हो, if you have no relationship, if you are not in into a relationship, if you are not committed, if you are not married, you are going to remain single in the month of March also. So I'm so sorry.
That's it. I mean, there is no hope even. Because जो पिछली पाई थी या पिछले साइंस थे उनमें स्टिल होप थी दैट येस यू मे फाइंड somebody और समथिंग मे हैपन बट फॉर यू नो नथिंग सॉरी दैट्स इट. आई मीन यू ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड नाउ कि कोई है ही नहीं. यू ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर बींग अलोन. सो दैट्स देयर. आई एम सो सॉरी. All the singles, I feel for you. So, what can we do, right? It's a very clear indication that you may not get into a relationship in the month of March. In the month of April, maybe things change, but not in the month of March. You are gonna stay single. And all the people who are in relationships, who are committed, I would say that this time period, you may go into your hermit mode. You may want to be isolated. You may want to just kind of have your own space. So the guidance for you is that get your own space. It's very important to, you know, be alone and to analyze what step you have taken in your life and think. There are a lot of things which you have to think alone. In isolation. You have to analyze things in isolation. So if you have any confusion, go to mountains or nature retreats. It's going to calm you down. So it's really important. If you are going through certain things in your relationship and you feel that it's going out of hand, then I would say go to nature retreats. Go, travel alone or have your own space. That's really important. Sometime in relationship, we forget to give each other space. So that's really important for you, Aquarius, that you need to have space in your life. If you are committed, sometimes we just kind of, you can say, overpower the other person. Or, wo person aapko overpower kar lete hain. Or then things go a little डाउनहिल. तो आप जो हो अपने लिए वक्त जरूर निकालो. सिर्फ जहां पर आप अपने आप पर कंसंट्रेट करो. हर टाइम एक ही इंसान के साथ नहीं रहा जा सकता. यू नीड अदर रिलेशनशिप ऑल्सो एंड यू नीड योर ओन टाइम जिसको मी टाइम कहते हैं. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सेल्फ केयर सेल्फ लव बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च एक्वेरियस. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो अब हम आपका करियर आपके जो एजुकेशन है वो देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च वो कैसी रहती है. All right, we have the Two of Wands and we have King of Swords here. ऐसा हो सकता है आप जो हो अपने work से अपने career से ना खुश हो और इसकी वजह से आप जो हो new jobs जो है वो ढूंढ रहे हो अपने लिए. कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी कोई न्यू स्टार्ट करना चीज वो आप जो अपने करियर में देख रहे हो. एक जो आप चाहते थे प्रोग्रेस अपने करियर में लाना वो हो नहीं रही थी. एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ looking at other opportunities, looking to other companies. And you may even have applied in other companies. You may have sent your resume in some other companies. Or वहाँ पर आपके जो, again, the hermit here and two of wands is about analyzing. So वहाँ पर भी आपका जो resume हो, maybe analyze हो रहा हो और आपको कोई new job opportunity मिले. यहाँ king of swords represents कि आप जो हो काफी ज्यादा cutthroat हो सकते हो अपने communication में when it comes to work relationships. काफी ज्यादा कट थ्रोट कट टू कट बात करना. एंड इट्स अ गाइडेंस ऑल्सो. दिस इज द टाइम फॉर यू वेयर यू हैव टू काइंड ऑफ हैव टू गो इनटू योर हर्मिट मोड. यू हैव टू यू मे बी फोर्स्ड टू गो इनटू अ हर्मिट मोड बिकॉज यू आर सो मच बिकॉज देर इज सो मच कंफ्यूजन बिकॉज इन द करियर एंड योर व्हाट यू से एजुकेशन और योर love life, it's all very confusing. It can happen with you that things confuse you. So to clear off your head, you need your own time. You need to analyze things. So it's really important. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी life में ये situations हैं, तो आप जो हो again same thing. Go to mountains, go to lakes, go to places where there are lakes or mountains or spiritual retreats or nature retreats becomes really important. So it is going to calm you down. And you can make your decisions afterwards. But definitely, कोई job change, कोई business change, job से business में आना, ऐसा कुछ आपकी life में हो सकता है कि आप change लेकर आओ अपने professional, अपने career में.
एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए ये प्रिडिक्शन है कि आप जो हो अगेन कोई अपना जो गोल आपने फिक्स करा था उस गोल से सेटिस्फाइड नहीं हो, सो नाउ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स, नाउ योर गोल इज समथिंग एल्स, नाउ यू चेंज योर माइंड, यू चेंज्ड योर माइंड, सो दैट्स देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज कमिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ सेल्फ एनालाइजिंग कमिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस कमिंग टू योर वे एंड यू आर गोना डू दैट. Alright, so Aquarius, this was your reading. I know it wasn't a happy-go-lucky reading, but that's what it is. Alright, so I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइसीज, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो मार्च का मंथ है वो कैसा जाता है, आपकी जो लव लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में हम प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, और आपका जो करियर है, आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड बिफोर दैट लेट जस्ट से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ पाइसीज. सो पाइसीज डील्स विद द यू नो डेथ, इट डील्स विद रिटायरमेंट एंड इट डील्स विद यू नो योर ड्रीम्स, योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, बिकॉज सी पाइसीज साइन is the original 12th house and it deals with the exit and retirement and your past life and your dreams. It also represents your right eye. Yes, whenever there's a malefic in the 12th or the second house, I always say you will have eye issues. Mars, Rahu, Ketu, even Saturn can give eye issues when it is placed in the 12th or second house. It's there. And yeah, so the sign of Pisces, if you know, its symbolism is टू फिशेस, एक इधर जा रही है एक दूसरी साइड जा रही है, तो एक जो स्प्लिट है वो जरूर है. मीनिंग सी जो मून इन कैंसर है वो एक वॉटर साइन में है, द मून मीनिंग द माइंड बिकम्स मूडी. देन स्कॉर्पियो साइन में है, मून गेट्स डेबिलिटेटेड, माइंड गेट डेबिलिटेटेड, इट हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज. इन द साइन ऑफ पाइसिस अगेन मून विल हैव द कंफ्यूजन बिकॉज अगेन इट्स अ वॉटर साइन एंड the Pisces sign is like the symbolism of Pisces is of two fishes. Let's say moon is in Revati nakshatra, the person will be very much interested into sea life, ocean life. The person gets really fascinated when it comes to dolphins or fishes, because it is the sign of Pisces is represented, or the symbolism of Pisces is two fishes. One is going in this direction, the other here. So the thing of confusion, or you can say mind is always moving. That's what I want to say. So that's there. Let's just see जो आपका मार्च का मंथ है वो कैसा जाता है. मार्च का मंथ जो है आपका वो कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप. ऑल राइट, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ हेयर एंड वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ट्स हेयर. तो यहां पर जो है डेथ मीनिंग एग्जिट एंड यहां पर रीबर्थ भी है, मीनिंग समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग. Right? And see, 12th house is death, is retirement, is something we are exiting now. And directly after the 12th house, we have the first house, meaning we are again being reborn. We are again in a cycle. See, यहां पर भी इंफिनिटी का साइकिल है, यहां पर भी इंफिनिटी का साइन है, मीनिंग इफ देर इज डेथ देर इज रीबर्थ ऑल्सो. So something, it can happen that, you know, I do not want to do a negative reading, but the card came, so let's just predict. It's that for few people it can happen, a toxic relation, an old relationship may get, you know, kind of, it just ends. So that's there. Ending is there and something new can begin. But I can see if you were in relationship, that relationship could have been very, very toxic. And because of that, you are ending that, which is a good thing. But of course, there will be psychological, or you can say, there will be baggage. There will be psychological baggage. You are going to take that psychological baggage to your next relationship also, because we kind of, see, 12th house is also your subconscious mind. So you have taken things subconsciously in your mind. So that's there. You cannot take out things from your subconscious mind. It is not that easy. So, of course, you are going to dream about that person a lot. If you were in a relationship with someone, you are going to dream about them in your... You are going to dream about them. That's there. But क्योंकि चीजें अब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, तो इट्स नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. फॉर फ्यू पीपल इट इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट. फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स डिफिकल्टीज. वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, सो समथिंग ओल्ड इज एंडिंग नाउ. इट्स द एंड, इट्स द एंड. एंड द इफ यू वरंट इन अ रिलेशनशिप, देन द एंडिंग ऑफ दैट व्हाट डू यू कॉल
bachelorhood is there. You may get into love relationship, but more so it can happen. It will be an end to your bachelorhood and you may enter into a marriage. You may enter into contract, a real marriage. So it can happen. जो लोग सिंगल थे उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है एंड दे वुड वॉन्ट टू गेट सेटल्ड विद दैट पर्सन. इसके हाई चांसेस है. बट डेफिनेटली हु वर इन रिलेशनशिप, ऑल द पाइसीज हु वर इन रिलेशनशिप एंड वर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनके लिए जो है ये एंड हो सकता है इस रिलेशनशिप का इन द मंथ ऑफ मार्च. जो लोग जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप में, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, उनके लिए ये एक गाइडेंस है कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो कम्युनिकेशन से उसको जो है क्लियर कर लो, बिकॉज दोज थिंग्स कैन बिकम, और जो चीजें जो है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दैट कैन बिकम बिग प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप. सो कम्युनिकेट प्रॉपरली, दैट्स द की. तो अब हम देखते हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमें कोई गाइडेंस मिलती है, और कोई अगर हमें प्रिडिक्शन हम करें आपके करियर को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर. पाइसीज, ऑल राइट, वी हैव हियर किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. तो जो किंग ऑफ कप्स है वो यहां पर ये रिप्रेजेंट करिए कि कुछ लोग जो हैं बिजनेस ट्रैवल पे, जो एक आपको बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है उसके लिए आपको जाना पड़े, और यहां पर जो है एक काफी फास्ट आपकी लाइफ चलेगी व्हेन इट कम्स टू करियर, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, बट यू आर गोना एंजॉय दैट बिजीनेस दैट्स देयर, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ माई लाइफ. सम हाउ सम वे यू आर काइंड ऑफ ऑल्सो इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन वर्क. इफ यू वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड इट इज नाउ एंडिंग, इट कैन हैपन दैट यू मे वॉन्ट टू जस्ट वर्क. योर फोकस इज जस्ट ऑन द वर्क. You are kind of involving yourself in work so that you don't think about those things. So that can happen, that you suddenly becomes a person who, जो मतलब 10 file अगर आज एक दिन में है तो वो 10 की 10 आज ही मैं करके जाऊंगा या जाऊंगी. That's there. और आप उसको enjoy करोगे. You kind of feel happy when you work in the month of March. Somehow, somewhere you are going to feel happy. और वो जो busyness है आपको काफी अच्छी लगेगी. इट्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो बिकॉज कोरोना के टाइम से हम निकले हैं, और बिफोर कोरोना हम ऐसे थे कि हमें काम करना पड़ रहा है, हमें बहुत हेक्टिक हो गया स्केड्यूल. एंड आफ्टर जब मतलब कोरोना हो गया और उसके बाद कोरोना ऐसे है एंड वी आर एट होम, और हम फिर भी काम कर रहे हैं. कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उनके लिए तो वर्क था ही. बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि अब जो वर्कोहॉलिकनेस है शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे. कुछ लोग कहते थे कि काश रोज ही संडे हो, रोज ही छुट्टी हो तो अच्छा लगेगा, बट फिर जब वैसा हो गया तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगा. पर डेफिनेटली आप जो हो वर्क जो है आपको अच्छा लगे, आपको वर्कोहॉलिकनेस जो है, वर्कोहॉलिक रहना जो है वो अच्छा लगे. दैट्स देयर. यू आर गोना एंजॉय योर वर्क, सो डू नॉट वरी. एंड ऑल दोज पीपल हु आर इन एजुकेशन, यू आर ऑल्सो एंजॉय, यू आर गोना एंजॉय योर एजुकेशन. और वो एंजॉय एजुकेशन में इस वजह से भी आ सकता है, सम हाउ यू आर नाउ कनेक्टिंग टू योर क्लासमेट्स. सो एक जो सोशल ग्रुप है ना वो आपका बन जाएगा आपके वर्क एनवायरमेंट में. दैट विल मेक योर वर्क ईजियर. सो दैट्स गोना हैपन. तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस. मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.